तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको हमारा तालीमपुर स्नेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों लोहर गाँव में आए हुए हैं, यहाँ पर कोई कोबरा सांप निकला हुआ है। तो ये अंकल जी हैं जो कॉल करके बुलाए हैं। थोड़ा जी इधर अपना नाम बता दीजिए। राम सेवक शाह। राम सेवक शाह जी नाम है। और सांप आपको कब से दिखाई दे रहा है? कल मैंने 1 बजे से। तो दोस्तों कल 1 बजे से इनको सांप दिखाई दे रहा है और ये लोग सोचे कि सांप निकल के भाग जाएगा, बट भागा नहीं, क्योंकि सांप जो है समाधि स्थल में जाने के कारण सांप जल्दी भागता नहीं है। ठीक है, जब धूप निकलता है तो सांप बाहर की तरफ आता है। तो चलिए सांप को आप देख सकते हैं, इस साइड में सांप छुपा हुआ है। तो प्रयास करते हैं इसको निकालें। आप लोग भीड़ डाल दीजिए ना, हटिए ना आप लोग। तोड़िए वहाँ से, शरबत तोड़ देते हैं। निकालिए निकालिए। हाँ उधर नहीं, उधर नहीं। पीछे हो जाइए आप लोग। तो दोस्तों देख सकते हैं यही वो कोबरा सांप है। आप लोग दूरी बना के रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यही सांप है जिसको इंग्लिश में एक स्पेक्टिकल कोबरा बोला जाता है, और दोस्तों इसको हिंदी में नाग बोलते हैं। ठीक है, और बिहार में इसका नाम गेहूमन है। तो काफ़ी जहरीला सांप होता है और इसको कभी भी आप लोग पास में ना जाए, क्योंकि यह अगर काट लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपका जान भी जा सकता है यदि इलाज ना हो तो। ठीक है, तो दोस्तों इसको दूध पिलाने का भी प्रयास ना करें, क्योंकि इसमें कैल्शियम एंजाइम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से यह दूध भी नहीं पी सकता है। ठीक है, बिहार में बहुत सारा अंधविश्वास ही फैला हुआ है कि यह दूध पीता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। सांप चाहे कोई भी हो, दूध नहीं पीता है। ठीक, तो ठंड का मौसम है, यही काम से अभी सुस्त है। और दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों सांप चाहे कोई भी काटे, हॉस्पिटल में जाए, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका मौत तय है। इसलिए कोई भी सांप काटे तो आप जिला हॉस्पिटल जाए, सदर अस्पताल जाए। ठीक है, और कभी भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो देख सकते हैं लाइए ना डब्बा। काले से ही एक बजे से ही एक हाथ निकलेगा, चल एक हाथ निकलेगा। हमेशा हजारों आदमी पीछा पड़ा अभी चौसा डरला नहीं। डबल आ रही डबा रखने के लिए डबा खोल तो दोस्तों सांप चाहे कोई भी हो, जब ठंड का मौसम आता है तो यह समाधि ले लेता है और यह अपना भोजन को त्याग देता है पूरा ठंडा तक। यह कुछ भी भोजन नहीं करता है, ठीक है जी, कुछ भी नहीं खाएगा जब तक ठंडा रहेगा ना, तब तक ये भोजन कर ही नहीं सकता है। यही कारण से सांप जो है काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। छूने के लिए खाना ही के लिए देख सकते हैं। ज्यादा नजदीक नहीं है, ज्यादा नजदीक नहीं है। देखिए चाहे कोबरा सांप हो चाहे कुछ कोई भी सांप हो, ठीक है, हुंकार करता है जी, लोग भागेगा जी। आपके पास चप्पल है, आप बहुत दूर रहिए क्योंकि ये जो है ना इतना ही डिस्टेंस है, इधर भी घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है ना। सुनिए सांप जो है फोटो नहीं खींच पाता है, याद रखिए। जैसे कि गांव में अंधविश्वास फैला हुआ है कि सांप जो है आँख से फोटो खींच लेता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सांप के पास ना तो दिमाग होता है ना कुछ होता है जी, कुछ भी नहीं होता है। सांप को इतना पता है दिमाग में हो जाए ना, इसमें नहीं होगा। छोटा बड़ा चॉकलेट काफी ज्यादा सुनते हैं दोस्तों, और फुनकारी भी नहीं कर पा रहा है। हाँ तो लोग कहने की चील ले लेगा, ये सब बिल्कुल गलत है। सांप है फोटो नहीं खींच पाता है, धुंधला इसको दिखाई देता है, एकदम धुंधला, ठीक है। और इसके पास जो है ना न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, और काट लेगा तो काटने के बाद भी 1 से 2 घंटे का समय मिलता है। मैंने अगर उसके अंदर में आप हॉस्पिटल चल जाइएगा आराम से आपका इलाज हो जाएगा। यदि थोड़ा भी लेट होगा, टाइम क्रॉस किए तो मौत तय है। इसलिए जब भी इस टाइप के सांप काटते हैं तो बताइए इसको आपका हाथ नहीं जाना था जी। कई कॉलेज 1 बजे से हम लोग को नौटंकी करा दिया जी। देखिए उसका रहने के लिए ना अच्छा सुविधा मिल गया था, इसलिए ठंडा में कहाँ जाएगा, इसलिए उसी के अंदर था, बिल के अंदर मर्चा उर्जा धा के झाँस कर दिया, इसको जैसे कि हम लोग ना ट्रेनिंग लिए हुए हैं, ठीक है। सांप को कैसे पकड़ना है इसके हम लोग ट्रेनिंग लिए हुए हैं। आप लोगों को अगर ये डाउट होगा कि स्टिक से मैंने पकड़े हुए हैं, स्टिक के पास कोई जड़ी बूटी होगा तो बिल्कुल गलत है। आप लोग समझिए स्टिक में सोचिएगा कि इसमें जड़ी बूटी सुंघाए हुए हैं तो बिल्कुल गलत है, जड़ी बूटी होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि कब काट सकता है कब नहीं काटेगा। इसका देख के अगर आप भी 2 कॉपी कीजिएगा तो आपको बाइट कर देगा, हम थोड़ा सा लापरवाही कर देंगे तो हमको भी बाइट कर सकता है। इसलिए इससे थोड़ा भी मजाक ना करें, देख के 2 कॉपी नहीं करें, ठीक है। पड़िएगा बाइट कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हिम्मत कर। छेद करने के लिए देते तो कोई सुना हुआ है। चले पूरा ठंडी भर सांप नहीं खाता है। हाँ कुछ भी नहीं खाएगा, मोढ़ी सांप नहीं खाता है। देखिए सांप जो है ना मांसाहारी जीव है, इसको मेढक चाहिए, चूहा चाहिए, सांप का बच्चा चाहिए, ठीक है। जीव जंतु नहीं खाता है, मुर्गी का बच्चा को खा जाएगा। तो फाइनली स्नेक का रेस्क्यू हो गया है और इसे दूर ले जाकर के जंगल में छोड़ देंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को वीडियो देखना होगा तालीमपुर स्नेक चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सर्च मारिएगा तालीमपुर स्नेक चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।